हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं एक फ्री स्टॉक ब्रोकर के बारे में बात करने वाला हूं, जो है फ्री, टोटली बिल्कुल फ्री आप बोल सकते हो, जीरो ब्रोकरेज वाला स्टॉक ब्रोकर है। ये एक जीरो ब्रोकरेज वाला स्टॉक ब्रोकर है। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, इसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कोई चार्जेबल है नहीं, ओनली फॉर गवर्नमेंट चार्जेस आर एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड, पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो में बहुत अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करूंगा आज। तो ये स्टॉक ब्रोकर के बारे में टोटली डिटेल्स में जितना हो सके उतना मैं कवर करना चाहूंगा इस वीडियो में। फ्रेंड, ये जो स्टॉक ब्रोकर है, ये है फिनोविजा। फिनोविजा बोल के एक स्टॉक ब्रोकर है हम लोगों के पास, जो बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं, बराबर। तो हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं फिनोविजा के बारे में। फिनोविजा का ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पहले फिनोविजा एक टोटली बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज वाला स्टॉक ब्रोकर है। फिनोविजा ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी जीरो लेते हैं। इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट चार्जेस है फ्रेंड, वो भी जीरो है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी फ्री है। इसके लिए भी, डीमैट अकाउंट के लिए भी कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट का एएमसी, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ईयरली जो एक चार्जेस होता है, वो भी आपको देना नहीं है। डीमैट अकाउंट का एएमसी, डीएमएट अकाउंट के लिए भी एएमसी, मतलब ईयरली जो चार्जेस होता है, वो भी नहीं देना है। सिर्फ यहाँ पर 1000 रुपीज प्रोवाइड करना है। कॉर्पोरेट क्लाइंट जो लोग होगा, उसके लिए सिर्फ 1000 रुपीज है ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस, उसके अलावा कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। ये अकाउंट, फिनोविजा का अकाउंट आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री है। मैं बिगेनर के लिए इतना बोलना चाहूंगा, जो बिगेनर है उन लोगों को तो फिनोविजा में पहले ट्रेड स्टार्टिंग करना चाहिए, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म भी जो है, प्लेटफॉर्म भी बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है। और ये एक नहीं, दो चार तो एक साथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत ही कमाल का सर्विस है इसका। इसका जो, मतलब इसका जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, आप कुछ भी बोलो, बहुत ही कमाल का सपोर्ट है इसका। टेलीफोनिक सपोर्ट बोलो या मेल का सपोर्ट बोलो, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका मेल का रिप्लाई मिल जाता है। और आपका फोन का सपोर्ट तो पर्टिकुलरली अच्छा है फिनोविजा का। इसका ट्रेडिंग ब्रोकरेज के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज जीरो है। इक्विटी डिलीवरी में कोई स्टॉक डिलीवरी में आप खरीद रहे हो, तो उसके लिए भी जीरो है। इंटरडे इक्विटी इंटरडे ब्रोकरेज, वो भी आपके लिए जीरो है। इक्विटी फ्यूचर ब्रोकरेज, वो भी जीरो है। ऑप्शन के लिए भी ब्रोकरेज टोटली जीरो है। करेंसी फ्यूचर के लिए भी ब्रोकरेज जीरो है। करेंसी ऑप्शन के लिए भी ब्रोकरेज जीरो है। और एमसीएक्स कमोडिटी ब्रोकरेज जीरो है, मतलब इसका कोई चार्जेस ही नहीं है, ब्रोकरेज का चार्ज नहीं है। ब्रोकरेज टोटली आपके लिए जीरो है। आपको एक रुपए भी, आप कितना, एक से लेकर 1000 ट्रेड ले लो, तो लाखों ट्रेड ले लो, लाखों ट्रेड में आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा, ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा। आपका ये टोटली बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आपको पैसा देना क्या है उनको, तो आपका जो ट्रेड होगा, ट्रेड में तो कुछ तो पैसा अमाउंट कटेगा, चार्जेबल कटेगा, वो क्या है, ओनली फॉर गवर्नमेंट टैक्सेस जो होता है, सेबी का चार्जेस जो होता है, एसटीटी जो होता है, उसका ओनली चार्जेबल ये लोग करते हैं। वो गवर्नमेंट का टैक्स है। वो कोई भी प्लेटफॉर्म में जाओ, चाहे फिनोविजा लो, चाहे जेरोदा लो, चाहे दूसरा स्टॉक ब्रोकर ले लो, चाहे फायर्स ले लो, हर किसी में ये चार्जेस आपको देना पड़ते हैं और पड़ेगा। तो इसका भी वही है, ट्रांजेक्शन चार्जेस है। ट्रांजेक्शन चार्जेस भी सेम टू सेम है, आधा स्टॉक ब्रोकर के जैसा ही है। 3 to 0.00325% है टर्नओवर के ऊपर। SST 0.025% है।
सेलिंग ऑफ सेलिंग वैल्यू, सेलिंग वैल्यू के ऊपर आप कोई भी स्टॉक को सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर ये चार्जेस देना पड़ेगा, अदरवाइज बाई के लिए कोई चार्जेस नहीं है। सेबी का टर्नओवर चार्जेस वही सेम टू सेम है, आधा स्टॉक ब्रोकर के जैसा ही है, 0.0015% है। और स्टैम्प ड्यूटी ये भी आपका नॉर्मल चार्जेस है, और आपको लाएगा क्या 18% जीएसटी ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन चार्जेस के ऊपर, जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है और ब्रोकरेज होता है उसके ऊपर आपको ये टैक्स 18% देना है आपका, ना कोई टर्नओवर के ऊपर 18% देना है। टर्नओवर के ऊपर कोई जीएसटी आपको प्रोवाइड करना नहीं है, आपको ब्रोकरेज तो नॉर्मली जीरो है तो ब्रोकरेज तो लग नहीं रहा है, ओनली ट्रांजेक्शन चार्जेस जो होता है इसके ऊपर 0.00325% जो होता है इसके ऊपर 18% आपका चार्जेस है, मतलब बहुत ही कम हो जाते हैं, मतलब ये 32 है ना, ये ट्रिपल जीरो हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका, इतना परसेंट आपका चार्जेबल है, चार्ज करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। दे ऑफर ट्रूली कमीशन फ्री ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये कोई ये ट्रेडिंग के लिए कोई कमीशन चार्जेस करता नहीं है। दे डोंट चार्ज एनी ब्रोकरेज, कोई ब्रोकरेज चार्ज करता नहीं है। कस्टमर पे ओनली टैक्स, यहाँ पर ये लिख भी दिया है, पूरी साफ साफ लिख दिया है जे ओनली टैक्स पेमेंट करना है। एंड मंथली ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज चार्जेस फॉर फ्यू ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, इसका बहुत सारा इसका खुद का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आप ट्रेडिंग करोगी तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अदर्स जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। बराबर समझ में आ गया। इसका मोबाइल के लिए भी है प्लेटफॉर्म, इसका वेब प्लेटफॉर्म भी है, दोनों मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। इसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसका खुद का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, खुद जो यूज करते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्जेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो है नेस्ट, नाउ और केपलर। केपलर इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है, और स्टॉक एनालिसिस और फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग भी होता है इसमें। ये स्टॉक का एनालिसिस भी करके आपको मैसेज में बताते रहते हैं, मतलब उसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, मोबाइल एप्स होता है या ट्रेडिंग टर्मिनल होता है, इसके साथ आप एक बार जुड़ गया मतलब आपको हर दिन का स्टॉक का रिव्यू आ जाएगा, भाई कहां पर कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, एनालिसिस के साथ आपको आ जाएगा। बराबर। और इसका जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग होता है ये बहुत ही सिंपल है, ओनली केवाईसी होता है आधार कार्ड के ई साइन के थ्रू, आपका सिर्फ इसका केवाईसी के थ्रू, मतलब सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी दूसरा चीज का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन में आराम से 5 मिनट के अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप फोन में भी इसमें ट्रेड कर ले सकते हो, फोन का कॉल का ट्रेड भी अवेलेबल है इस स्टॉक ब्रोकर में, आप फोन करके भी, आप सोचो कोई बाहर हो, बाहर होने के बाद आप मोबाइल वगैरह यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप फोन करके भी आपका अकाउंट से ट्रेड ले पाएंगे इसमें, ठीक है। और ऑनलाइन चार्ट का सपोर्ट है, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप तो सोचो ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेग्स फील हो रहा है, तो आप डायरेक्ट फोन ना करके आप डायरेक्ट उसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आप चार्ट भी उन लोगों के साथ कर सकते हो, चार्ट में भी बोल सकते हो भाई मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा अकाउंट ये है, मेरा अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो ये भी बहुत एक अच्छा कमाल का फीचर्स है। ऑनलाइन या आईपीओ भी आपको मिल जाएगा इसमें, एडवांस ऑर्डर टाइप लाइक बास्केट कवर ऑर्डर भी इसमें अवेलेबल है, बास्केट ऑर्डर भी मिल जाएगा, कवर ऑर्डर भी इसमें मिल जाएगा, तो ये सब कुछ अच्छा ही चीज है। इसका डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग ये जान लेते हैं। सम ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल ऑनलाइन मंथली फी, इसका जो खुद का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो छोड़ के बाकी अदर्स जो प्लेटफॉर्म है उसमें ये चार्ज प्रोवाइड करते हैं, चार्ज लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। और सेकेंड बात ये है, इसका कोई लोकल कोई ब्रांचेस नहीं है, इसका ओनली ऑनलाइन ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर है, ये एक्चुअली टोटली ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर है,
तो इसका सर्विस टोटली ऑनलाइन प्रोवाइड होता है, इंडिया के अंदर कोई जगह पे ब्रांचेस नहीं है। नॉर्मली ये तो भोपाल का है, ठीक है, ये स्टॉक ब्रोकर एक्चुअली भोपाल का है, भोपाल साइड का ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नाउ, नाउ के ऊपर टोटली बिल्कुल फ्री है, ये खुद का है नाउ, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्जेस ये करता नहीं है। और बीएससी में आप, एनएससी में आप ऑर्डर दोगी तो आपका कोई चार्जेबल होगा नहीं, अब बीएससी में कोई भी ऑर्डर डाल दिया तो 120 रुपीज आपका चार्जेबल पड़ेगा पर सेगमेंट में, बराबर। और इसका नेक्स्ट जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है वो आ रहा है नेक्स्ट। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मैक्सिमम लोगों को पता है इसके बारे में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। इसका स्टैंडर्ड जो प्लान आता है 149 पर सेगमेंट का है, और ये प्लान तो ले लिया आपने, इसके बाद आपने गलती से या बेकेट डॉलर डाल दिया तो उसके लिए 99 रुपीज आपको चार्जेबल होगा, बराबर। तो उसके लिए और एक ऑप्शन ये क्या दे रहे हैं जे भाई आप ये दोनों ले लो, नहीं तो आप एक काम करो, एक मंथली प्लान ले लो 777 का ऑल सेगमेंट के लिए, आपको कोई बास्केट ऑर्डर जो है कवर ऑर्डर के लिए कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, बराबर। इसका नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म आ रहा है पेस्टो, पेस्टो भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है ये, बेसिकली ये एक्चुअली फॉरेन कंट्री का प्लेटफॉर्म है, तो बहुत ही अच्छा है, ब्लीज भी फॉरेन कंट्री का है। इसका पेस्टो में चार्जेस क्या है, 1600 रुपीज पर मंथ है, और इसके साथ साथ आपको इसका लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, उसके अलावा आप ये प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाओगे, उसका चार्जेस अलग है। वो उन लोगों के साथ फिनोविजा का जो ऑनलाइन सपोर्ट टीम होता है, ऑनलाइन सपोर्ट टीम के साथ कंसीडर करना पड़ेगा, बराबर। इसका नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म आ रहा है ब्लीज, ब्लीज भी एक बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको सबसे, इसका ब्लीज का सबसे मेन खासियत क्या पता है, आपको कोई स्टॉक में लॉस नहीं होगा। आप एक बार ये ब्लीज का प्लेटफॉर्म आपने खरीद लिया, क्योंकि मैं ब्लीज का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है, इसमें बाई का सेल का सिग्नल आपको प्रोवाइड कर देता है, प्लस स्टॉप लॉस आपको जेनरेट करके दे देता है, और ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम भी इसमें है, बराबर। तो आपको लॉस का कोई चांसेस नहीं होता है, आपको ये तुरंत बता देता है। आपको इसका जो फंक्शन है पेस्टो का फंक्शन ऐसा है, आपको मोबाइल में एसएमएस भी आ जाता है, भाई स्टॉक नीचे जाने वाला है, आपका या मतलब जो ट्रेडिंग आपने लिए हो ट्रेड को क्लोज करो, मतलब इतना बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में मैं पेस्टो के बारे में एक अच्छा वीडियो बना के आपको बताऊंगा इसका प्लेटफॉर्म के बारे में, या पेस्टो बोल रहा हूँ ब्लीज के बारे में, बराबर। उसके अलावा आपको स्टॉक ब्रोकर मिल जाएगा, स्टॉक ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म मिलेगा वो एमी ब्रोकर का भी प्लेटफॉर्म अच्छा है। इसके लिए पर मंथ आपको 300 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा प्लस टैक्स, बराबर। तो जो लोग नए हो फ्रेंड, जो अभी ट्रेडिंग करना स्टार्टिंग कर रहे हो, उसके लिए तो मैं ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छे से रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है आपको ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा, ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।